रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करने की कोशिश की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। और जो कुछ रिलेशन हमने ड्राइव कर लिए थे, अगर मैं आपको याद भी दिला दूं, हमने कहा था कि इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट्स प्रोजेक्शन और इट्स शेडो विल परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन ओनली, बट इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स शेडो विल बी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग द डायमीटर। फिर हमने प्रूव भी कर दिया था कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। फिर हमने कहा था कि जो तमाम इक्वेशन जिनमें ओमेगा इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। अब अगर मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड की, तो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखा, टाइम पीरियड इज 2 पाई ओवर ओमेगा। और फिर हमने कहा कि अगर आपके पास बॉडी जो है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो उसमें ओमेगा तो हो नहीं सकता, ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड है। तो ओमेगा को हम रिप्लेस करते थे अंडर रूट के ओवर एम से स्प्रिंग सिस्टम के लिए, और स्ट्रिंग के लिए हम उसे रिप्लेस करते थे अंडर रूट जी ओवर एल से। तो लास्ट टाइम तक हमने दो इक्वेशंस पढ़ ली थी, वो थी टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड ऑफ मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग। आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो मैं लास्ट टाइम जो मैंने एक फिगर ड्रॉ की थी, मैं दोबारा ड्रॉ भी कर दूंगा ताकि हम वहीं से शुरू करें। सिर्फ एक छोटी सी बात, क्या इस वक्त इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया? अब्दुल्ला, आपने लास्ट आज आपका फर्स्ट डे है या आप लास्ट टाइम लेक्चर मिस किया आपने? सर लास्ट टाइम मिस करा था, उससे पहले नहीं करा था। अच्छा, लास्ट टाइम मिस किया था, ठीक। यस जी फिर, आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है या आज आपका फर्स्ट डे है? सर, लास्ट लेक्चर में उसके क्या था? ठीक, ओके। सो आप में से वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर जो है वो मिस कर दिया होता, मैं नॉर्मली क्लास के एंड पे जो है वो नोट्स शेयर कर लेता हूँ, तो एक काम जरूर किया करें कि वो नोट्स को रिव्यू कर लिया करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर फिजिक्स बहरहाल आपने भी पढ़ रखी है। अगर वो रिव्यू कर लेंगे और आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है तो आपको बातें रिकॉल हो जाएंगी, लेकिन अगर वो रिकॉल नहीं होती और आपके जहन में कोई डाउट्स है तो वो आप फिर बिल्कुल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। देखें, अगर मैं बात कर रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया था एक पार्टिकल पी विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर क्यों जरूरी थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर इसलिए जरूरी थी कि वो जो है वो फिर सिंपल हार्मोनिक बन सके। तो लेट्स से ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे हमारे पास एक डायमीटर था, उस डायमीटर को हम नाम दे रहे हैं डायमीटर ए बी। सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज ओ, ओ से लेके ए तक कहलाएगा क्या, रेडियस सर्कुलर पाथ के लिए। हमने कहा था कि लेट से पार्टिकल पी मूव करते करते इस पॉइंट पे पहुंचा, तो ओ से पी तक हमारे लिए कहलाएगा क्या, रेडियस। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मुझे पार्टिकल पी का शेडो मिल जाएगा, वो शेडो था क्यों, क्योंकि हम फैसला कर चुके हैं कि शेडो इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज एक्चुअली वाइब्रेटरी, तो देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। जब पार्टिकल पी ट्रेवल करता है तो पार्टिकल पी के पास दो तरह की स्पीड्स हैं, एक तो उसकी टेंजेंशियल स्पीड कहलाती थी जिसको हम नाम देते थे किसका, वी पी का, एक उसकी होती थी एंगुलर स्पीड जिसको हम नाम देते थे किसका, ओमेगा का। पार्टिकल पी ने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा जिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं थीटा। अब जो बातें हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके वो क्या थी कि इफ पार्टिकल पी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन क्यू इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर, राइट। फिर
फिर हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, तो हमने कहा था कि जो टाइम पीरियड पार्टिकल पी का है वो ही टाइम पीरियड प्रोजेक्शन क्यू का भी है. द ओनली डिफरेंस इज पी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड क्यू इज परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन. फिर हमने कहा था कि अगर आपको प्रोजेक्शन की मोशन डिस्कस करनी है तो देखिए प्रोजेक्शन इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, प्रोजेक्शन तो पार्टिकल पी का शेडो है. ये बिल्कुल ऐसे ही है. अब मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल दी थी या नहीं दी थी कि अगर आप एक बॉल लें जो एक फील्ड पे रखी हुई है या ग्राउंड में रखी हुई है और आप इस बॉल को किक मारें तो ये बॉल एक पैराबोलिक पाथ बनाती है कुछ इस तरह का. बॉल यहां पर भी जाएगी, बॉल यहां पर भी जाएगी, उसके बाद बॉल यहां पर भी जाएगी, बॉल यहां पर भी जाएगी. अच्छा, इस वेलोसिटी के जो बॉल की वेलोसिटी है दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल होता है. शायद प्रोजेक्टाइल मोशन जिन बच्चों के जहन में वो इस बात से एग्री करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहा करता है. अब अगर मैं बॉल के शेडो की बात करूं, लेट से ऊपर जो है वो हमारे पास सन मौजूद है तो बॉल का शेडो बिल्कुल इसके नीचे बन रहा होगा. अगर शेडो बॉल के बिल्कुल नीचे है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो शेडो की स्पीड होगी ना, स्पीड ऑफ शेडो, वो बॉल की स्पीड के x कंपोनेंट के बराबर होगी. क्यों? अगर बॉल का x कंपोनेंट ज्यादा है और शेडो की स्पीड कम है तो बॉल आगे निकल जाएगी, शेडो पीछे रह जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि शेडो रिमेन्स अंडरनीथ द बॉल ऑल द टाइम, उसके लिए जरूरी है कि शेडो की स्पीड और जो बॉल की स्पीड वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे के सेम बन जाए. अब ये तरीकेकार सिर्फ वेलोसिटी या स्पीड पे वैलिड नहीं है, ये हर पैरामीटर के लिए वैलिड है. आप शेडो की एक्सेलरेशन निकालना चाहते थे तो आपने कहा शेडो का एक्सेलरेशन पार्टिकल के एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है. शायद आपको याद आ जाए लास्ट टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. तो मैं इसको उसूल बना रहा हूं, जब भी हम शेडो का कोई पैरामीटर निकालना चाहेंगे तो हम पार्टिकल के उस पैरामीटर का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेंगे. देखा, मैं एग्जांपल देता हूं. अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए एक्सेलरेशन तो हम लास्ट टाइम बात कर चुके, जरा मुझे शेडो की स्पीड निकाल के दीजिए. वे क्यों? अगर मुझे शेडो की स्पीड चाहिए तो हम उसूल याद कर चुके हैं. शेडो की स्पीड निकालने का मतलब है मुझे पार्टिकल की स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए. अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते थे? शायद आप में से कुछ लोगों को जो है वो तरीके का याद आए कि आप इस लाइन को एक्सटेंड करते थे, आप दो कंपोनेंट बनाते थे, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा. ये एंगल अगर थीटा है तो आप ज्योमेट्री के अगर रूल्स अप्लाई करेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे ये एंगल भी थीटा है. मैं सरसरी तौर पर इस बात की कोशिश कर सकता हूँ कि आपको क्विकली आइडिया दे दूं ये थीटा आता कैसे होगा. देखें, अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 है. अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे मालूम हो कि एक एंगल थीटा है तो जो एंगल रिमेनिंग होता है वो कैसे निकालते हैं? 90 माइनस थीटा करके. जो टेंजेंशियल स्पीड है वो सर्किल पे टेंजेंट है, तो हमें याद है टेंजेंट का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये टोटल एंगल 90 है. अब ये एंगल 90 है, ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा है, तो जो एंगल बच गया वो थीटा होगा. और इस एतबार से अगर आप इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें तो दे आर वर्टिकल एंगल्स, हमेशा इक्वल होते हैं. अब ऑब्वियसली एप्टीट्यूड में वो ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स आपसे प्रूव नहीं करवाएंगे. मैंने आइडियाज नहीं दे दिया कि जिनको याद समझ में आती थी बात उन्हें रिकॉल हो जाएगा, जिनको नहीं समझ में आई उनको कम से कम एक चीज ये मालूम होगी कि उनको क्या चीज समझ लेनी चाहिए ताकि वो बाद में कभी मौका मिले तो पूछ सके. अब अगर आप इस थीटा को देखें तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली एक्स कंपोनेंट है, और अगर आप इस कंपोनेंट को देखें तो ये वाई कंपोनेंट है. x कंपोनेंट जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, y कंपोनेंट वर्टिकल है. अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी वेलोसिटी प्रोजेक्शन की हो सकती है तो डेफिनेटली वो वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्योंकि प्रोजेक्शन इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली. बस अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, अक्सर बच्चे एक एक गलत बात जो है वो याद कर लेते हैं, और वो क्या याद कर लेते हैं कि x कंपोनेंट इज cos एंड y कंपोनेंट इज sin. उन्होंने रूल बना लिया होता है कि अगर मुझे वेक्टर का
एक्स कंपोनेंट चाहिए तो वो हमेशा कॉस से निकलेगा, और अगर मुझे वाई कंपोनेंट चाहिए तो वो हमेशा साइन से निकलेगा। वैसे आप 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 में से कोई इस बात को निगेट करना चाहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है? मैं सवाल रिपीट कर लेता हूँ, बल्कि शायद कोई ऑलरेडी जवाब देना चाह रहा है। सर वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और एंगल के नीचे वाली साइड बेस होती है, तो उसके हिसाब से साइन और कॉस रखा जाता है। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। याद रखिएगा एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट इसलिए कहते हैं कि इट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब जहां तक रहा सवाल साइन का और कॉस का, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द एंगल। द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर व्हिच इज अपोजिट टू एंगल इज बेसिकली साइन, एंड व्हिच इज इन द बेस इज एक्चुअली कॉस। तो अभी रूल याद कर लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना चाहता हूं, यानी मैं वी एक्स की बात कर रहा हूं, तो वो कॉस से नहीं निकलेगा, वो साइन से निकलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? वी पी साइन थीटा। अब आपको शायद प्रीवियस वर्किंग से याद हो कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है। कैसे? हमने कहा था कॉस थीटा बराबर होता है बेस विच इज एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज आर। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखते थे। कैसे? एक बड़ी फंडामेंटल सी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। तो हम कहते थे साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इट मीन्स साइन थीटा इज वन माइनस कॉस थीटा, राइट? और फिर आप इस वैल्यू को यहां पुट करते थे, हमारे पास वी क्यू बन जाता था। क्या शायद प्रीवियस क्लास से याद हो, वी इक्वल आर ओमेगा होता था, तो जो वी पी होगा वो आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। साइन की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। जब आप यहां पर कॉस थीटा को एक्स ओवर आर पुट करके सिंप्लीफाई करते थे, तो मेरे पास वी क्यू की इक्वेशन बनती थी ओमेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और यहां पे एक आर लिखा होता था, और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता था वो ये होता था ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात याद दिला दो, देखिए आर का मतलब है रेडियस, रेडियस तो सिर्फ सर्कुलर मोशन में हुआ करता है, ये जो वी क्यू है ये सर्कुलर मोशन नहीं है, तो वाइब्रेटरी मोशन है। तो अब जरा लिंक करिए, जिस चीज को मैं सर्किल का रेडियस कहता हूं वो चीज बेसिकली वाइब्रेशन के लिए एम्पलीट्यूड है। अगर आप इस फिगर को भी गौर से देखेंगे तो आप एग्री करेंगे, जैसे जैसे पार्टिकल ए की तरफ जा रहा है एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसी वो ए पे पहुंचेगा ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा एक्स नॉट विच विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमने आर को एक्स नॉट से रिप्लेस किया, तो वी क्यू इक्वल ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही? अच्छा अब अगली बात, ये जो फॉर्मूला है, वंस अगेन व्हाट आई सेड इन लास्ट क्लास, एवरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इज एक्चुअली द प्रोटोटाइप, यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर वेयर एक्चुअली यू कैन से सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बीइंग कैरिड आउट, राइट? तो अब यहां पर ये जो ओमेगा है, अगर मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूं, ये स्पीड हर सिंपल हार्मोनिक के लिए, अब अगर मैं निकालना चाहता हूं स्पीड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा को रिप्लेस कर दूंगा अंडर रूट के ओवर एम से, क्योंकि आपके जहनों में शायद प्रीवियस लेक्चर से हो, मैंने बताया था कि स्प्रिंग के लिए ओमेगा अंडर रूट के ओवर एम है, और अगर आप स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ओमेगा अंडर रूट जी ओवर एल है। तो ये जो ओमेगा है ये जनरलाइज है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर दें, लेकिन अगर आप बात करेंगे स्प्रिंग के लिए तो ओमेगा विल बी रिप्लेस बाय अंडर रूट की ओवर एम, और अगर आप बात करेंगे स्ट्रिंग के लिए पेंडुलम के लिए तो ओमेगा विल बी रिप्लेस बाय अंडर रूट जी ओवर एम। हमने सिलेबस में जो है वो बेसिकली स्प्रिंग की बात की, तो मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। वी इक्वल अंडर रूट की ओवर एम अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं एट मीन पोजिशन, तो हमें याद है मीन पे डिस्टेंस जीरो हो जाया करता था, तो मेरे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम
एक्स नॉट आ जाएगी स्पीड एंड दिस इज नोन एज मैक्सिमम स्पीड. तो हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट मेन पोजिशन. और अगर आप बात करेंगे एट एक्सट्रीम, तो एट एक्सट्रीम जो एक्स है वो बढ़ के क्या बन जाएगा, एक्स नॉट. और अब अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो आप सब एग्री करेंगे वो जीरो आ जाएगी. इसको हम नाम देते हैं क्या, मिनिमम. तो अब याद कर ले, एट मीन पोजिशन स्पीड इज मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजिशन स्पीड इज मिनिमम. और इस बात को अब याद रखने के दो तरीके, लॉजिकली याद कर ले कि बॉडी जब मीन पे होती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन स्पीड मैक्सिमम बन जाएगी, और एक्सट्रीम पे जाएगी तो वो जीरो बन जाएगी. वरना सोचे, जब बॉडी एक्सट्रीम पर होती है तो वहां से वापस आती है या और आगे जाती है, वापस आती है. वो वापस आती है इस वजह से क्योंकि जैसे वो मीन से एक्सट्रीम जा रही होती है, स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी, जीरो बनेगी. अब बॉडी और आगे नहीं आ सकती, अब बॉडी को वापस आना पड़ेगा. ठीक. अच्छा, स्पीड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम कुछ एनर्जीज पढ़ा करते थे, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी. तो काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगा हाफ एम वी स्क्वायर है. अब मेरे पास स्पीड मौजूद है सिंपल स्प्रिंग मोशन की, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालू, याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद सिस्टम मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालते थे तो उसका फॉर्मूला बनता था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आप चाहे तो आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर में v की इस वैल्यू को पुट कर दें जो हमने स्प्रिंग सिस्टम के लिए निकाली हुई है. सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली आप इस रिलेशन पे पहुंचेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमें याद है अगर वेलोसिटी या स्पीड मीन पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम होगी, और अगर स्पीड या वेलोसिटी एक्सट्रीम पे मिनिमम है, जीरो है, तो काइनेटिक एक्सट्रीम पे मिनिमम या जीरो होगी. तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करना चाहता हूं एट मीन पोजिशन, तो एट मीन पोजिशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. इसका फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. क्यों? क्योंकि मीन पर एक्स जीरो है. और अगर मैं बात करना चाहता हूं एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन मुझे याद है एक्स क्या बन जाएगा, एक्स नॉट. और जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. राइट. शायद आपको याद है ऐसे न्यूमेरिकल होते थे, मैं आज शायद क्लास में सॉल्व करवा भी दूं, कि जिसमें वो आपसे कहते थे कि आप मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इट्स स्पीड इज दिस. अगर वो आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर स्पीड इज दिस, सो वन थिंग इज श्योर, ये एम्पलीट्यूड नहीं है. क्योंकि अगर ये एम्पलीट्यूड होता तो एम्पलीट्यूड पे स्पीड हमारे पास हमेशा कितनी हुआ करती है, जीरो हुआ करती है. अगर ये एम्पलीट्यूड होता तो स्पीड जीरो होती है. अगर वो किसी पोजीशन पे स्पीड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एम्पलीट्यूड नहीं है, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है. एनीवेज, हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, हमने मिनिमम मैक्सिमम की बात की. जो अगली एनर्जी आप डिस्कस किया करते थे वो एनर्जी आपके पास हुआ करती थी क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला ड्राइव क्या करते थे, वो फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर. डेरिवेशन हमारे लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसकी डेरिवेशन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. वो पॉइंट क्या था, देखिए आपने ये इक्वेशन जो ड्राइव की हाफ के एक्स स्क्वायर, फर्स्ट थिंग दिस इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एक बात तो ये समझ लीजिए कि जब मैं पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल करता हूं ना तो मेजोरिटी बच्चों के जहन में ख्याल आता है MGH. MGH is not potential energy. MGH is basically gravitational potential energy. Potential energy हर उस ऑब्जेक्ट के पास हो सकती है जो किसी फील्ड के अगेंस्ट जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक मास को लिफ्ट करते हैं तो इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप कहते हैं कि इट एक्वायर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को
एक पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाते हैं, तो नेचुरली पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं तो आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे होते हैं, तो चार्ज पोटेंशियल गेन करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जब आप एक मास को स्पिन से कनेक्ट करके पुल करते हैं तो मास वापस जाना चाहता है बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन यू कीप ऑन पुलिंग इट तो वो गेन करता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात तो अपने जहनों में ये ले आइए कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एमजीएच नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी इज अ कैटेगरी ऑफ एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। शायद आपने सेकेंड फिजिक्स में वो के स्क्वायर ओवर आर वाली जो है वो इक्वेशन जो है वो जहनों में मौजूद हो। बहरहाल जो दूसरी बात इस डेरिवेशन में थी वो ये कि आपने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था यूजिंग वर्क एफ इंटू डी, और फिर आपने डेरिवेशन में कहीं ना कहीं एफ इस्तेमाल नहीं किया, आपने एवरेज फोर्स इस्तेमाल की थी, जिस वजह से ये हाफ का फैक्टर आ गया था। क्यों एवरेज फोर्स इस्तेमाल की थी? क्योंकि W इज इक्वल टू एफ डी सिर्फ वहां पर अप्लाई होता है जहां पर फोर्स कॉन्स्टेंट हो। W इज इक्वल टू एफ डी सिर्फ वहां पर अप्लाई होता है जहां पर फोर्स आपके पास कॉन्स्टेंट हो, राइट? लेकिन हमें बात मालूम है कि इलास्टिक सिस्टम में जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे फोर्स भी क्या हो जाती है, चेंज। तो यहां हमने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का, और फिर हमने कहा था मीन पर फोर्स जीरो होगी, ए पर फोर्स के एक्स होगी, हमने एवरेज दिया था तो वो फोर्स थी हाफ के एक्स, तभी यहाँ ये हाफ आ गया था। एनीवेज पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, मैं यहाँ पे इलास्टिक का इजाफा कर भी देता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूँ एट मीन, तो कॉमन सेंस क्या कहती है, जहां पे काइनेटिक मैक्सिमम है वो पोटेंशियल जीरो होनी चाहिए, और नजर भी आ रही है क्योंकि मीन पे एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाएगी, और एट एक्सट्रीम आपके पास एक्स जो है वो एक्स नॉट हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी और क्या बन जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा अब आप एक काम करें, आप जो है वो दोनों मैक्सिमम एनर्जीज को देखें, आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को देखें वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, आप मैक्सिमम पोटेंशियल को भी देखें वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। यहां से आपको एक आइडिया मिलता है टोटल एनर्जी ऑफ इलास्टिक सिस्टम और फिर व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज रिमेन द सेम, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप किसी स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं, लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज सम इंटरमीडिएट पोजीशन पी, तो पॉइंट पी पर इसके पास काइनेटिक भी होगी और इसके पास पोटेंशियल भी होगी। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। हम जानते हैं काइनेटिक इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, यू विल श्योरली गेट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर विच इज सेम एज मैक्सिमम पोटेंशियल और विच इज सेम एज मैक्सिमम काइनेटिक। क्यों? किसी भी स्प्रिंग सिस्टम की जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, और वो टोटल एनर्जी अगर हमेशा कॉन्स्टेंट है तो वो क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे भी कर रहा है, वहां पर एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करेगी लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जो है वो अपनी जगह हमेशा जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक। अच्छा फिर एक इक्वेशन आप पढ़ा करते थे डिस्प्लेसमेंट की, जो कि मैं ऑलरेडी ड्राइव करवा चुका हूं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें कॉस थीटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैंने येलो कलर से अभी हाईलाइट किया, शायद आप देख पा रहे हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। तो अगर मैं इसी इक्वेशन से शुरू करूं और मैं बात करना चाहता हूं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने कहा कॉस थीटा इक्वल एक्स ओवर आर, सो एक्स इक्वल आर कॉस थीटा। देखें ये इक्वेशन मेरे जुमले को वेरीफाई कर रही है। अगर मुझे प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए
तो मुझे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है। अब सेंटर से पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे था, आर पे। अगर आप और से देखें तो आप जब एक्स निकालेंगे तो वो आर का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक। अच्छा, वंस अगेन, आर इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अगर मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं तो हम रेफरेंस दे चुके हैं, वाइब्रेशन में आर बेसिकली एम्पलीट्यूड को कहा जाता है। तो एक्स बन जाएगा क्या, एक्स नॉट कॉस थीटा। अच्छा, ये इक्वेशन एक अजम्पशन पे आई थी, सर्कुलर मोशन, राइट। दिस इज डायमीटर। हमने अज्यूम किया था कि जो पार्टिकल पी है वो अपनी मोशन पॉइंट ए से स्टार्ट करता है हॉरिजॉन्टल, यानी इनिशियली वो जीरो एंगल पर है। जब वो मूव करके यहां पर आएगा तो जितना भी एंगल होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन फर्ज करें पार्टिकल ने, लेट्स से पार्टिकल ने अपनी मोशन डायमीटर से शुरू नहीं की, वो ऑलरेडी किसी एंगल पे मौजूद है, लेट्स से वो यहां पर मौजूद है। तो अब जब वो मूव करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। लेकिन जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम तो ये एंगल भी ले लेंगे। दिस एंगल इज कॉल्ड इनिशियल फेज एंगल, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये कहलाता है क्या, इनिशियल फेज एंगल। याद रखिएगा, अगर प्रोजेक्शन ने अपनी मोशन हॉरिजॉन्टल से शुरू नहीं की तो वो ऑलरेडी कुछ एंगल स्वैप कर चुका होगा, कुछ एंगल कवर कर चुका होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्स है उसका फॉर्मूला बनता है एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस फाइव। ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस फाइव। अच्छा, ये वो सब कुछ है जो हमें मालूम होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक स्प्रिंग सिस्टम के लिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक आखिरी पार्ट रह गया, वो भी डिस्कस कर लो, फिर साथ कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब रह गई एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने यहां पर पढ़ी, और वो थी हमारे पास पेंडुलम। हम ये कहते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पेंडुलम। ऑब्वियसली डेरिवेशन नहीं करेंगे लेकिन कुछ आइडियाज आपको याद दिला दो। आप कंसिडर करते थे क्या, एक स्ट्रिंग, एक इस स्ट्रिंग से एक बॉब कनेक्टेड है, राइट। जहां पर ये रुका हुआ है वो इसकी मेन पोजीशन है। आप इसको लेके आते थे एक नई पोजीशन पे, और लेट्स से ये नई पोजीशन जो है वो पोजीशन ए है, जो कि एक्सट्रीम कहलाती थी। इस पोजीशन पर इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही होती थी। अगर मैं उन फोर्सेस का थोड़ा सा जिक्र कर दूं, एक होता था इसका वेट जो एक्ट करता था वर्टिकली डाउनवर्ड, एक होती थी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो एक्ट करेगी इस लाइन पर इस डायरेक्शन पे। आप करते क्या थे, आप ये करते थे कि इसने एंगल बनाया होगा थीटा, आप इस फोर्स को रिजॉल्व करते थे एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो तरीका ये था कि आपने एक एक्सिस बना लिया अलोंग द स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से, आप बना लेते थे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से, और फिर हम ये कहते थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक बाय यूजिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम, कि अगर दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल हो तो अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आपके पास कितना बनेगा, थीटा। आप इस वेट के दो कंपोनेंट बनाते थे, वेट का एक कंपोनेंट ये वाला होता था जिसको हम नाम देते थे डब्ल्यू साइन थीटा। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है ये कॉम्पोनेंट, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट है साइन से निकलेगा। और एक कॉम्पोनेंट ये वाला होता था जिसको हम नाम देते थे डब्ल्यू कॉस थीटा। आप ये कहते थे कि बॉब अलोंग द स्ट्रिंग ट्रेवल नहीं करता, तो जो टेंशन टी है वो टेंशन टी हमेशा बराबर होती है किसके, डब्ल्यू कॉस थीटा के। और ये जो डब्ल्यू साइन थीटा था ये बिहेव करता था रिजल्टेंट फोर्स विच ट्राइड टू मूव द बॉब टूवर्ड्स मेन पोजिशन, तभी ये रिजल्टेंट भी होता था एम ए। और शायद आपको याद है
every force in the vibration vibratory motion which is acting towards mean position is actually the restoring force. और हम restoring force के इजहार के लिए एक minus sign लगाया करते थे. इस पूरी working को जब आप simplify करते थे तो आप इस नतीजे में पहुंचते थे A equal minus G over L times theta. अब यहां पर क्या क्या अज्यूम किया थोड़ा सा याद दिला देता हूं. हमने यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने साइन थीटा को अचानक से खत्म करके थीटा बना दिया. तो हमने यहां पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी. वो प्रॉपर्टी क्या थी? ये प्रॉपर्टी साइन पर और टेंजेंट पर दोनों पर वैलिड है. अगर आप बात करते हैं साइन की और अगर आप बात करते हैं थीटा की, तो कहते ही है कि अगर आपके पास साइन थीटा और टेंजेंट थीटा में जो थीटा है ये थीटा बहुत स्मॉल हो, इज वेरी स्मॉल. कितना स्मॉल? 5 डिग्री. मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी जो है वो 5 डिग्री से 15 डिग्री तक वैलिड होगी. ठीक, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो और ये थीटा रेडियन में हो तो कहते ही हैं कि जो साइन थीटा है जो टेंजेंट थीटा है ये बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाते हैं थीटा के. मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, मैं इस चीज के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें. अगर मेरी याददाश्त गलत साथ नहीं देती तो जब हम बात करते हैं 5 डिग्री की तो जो 5 डिग्री है वो गालिबन 0.084 रेडियन के बराबर होगा. मैंने कन्वर्ट किया नहीं है तो मैं चाहूंगा ये कि अगर ये वैल्यू गलत हो तो जो भी आंसर आपके पास आ रहा होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा. ठीक, अगर आप इस 5 डिग्री को रेडियन मिलेंगे 0.084 के जो है वो करीब आएगा, और इसके बाद अगर आप जो है वो इसका साइन निकालेंगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा. आप इसका जो है वो कॉस निकालेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो सेम आंसर आ जाएगा. ठीक, तो इस उसूल को याद रखें कि अगर आपके पास थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है और थीटा जो है वो रेडियन में है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी साइन थीटा की और टेंजेंट थीटा की वो थीटा के बराबर होंगी. तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इस रिलेशन से इस रिलेशन तक पहुंचा हूं तो मैंने एक बात अज्यूम की है, थीटा इज वेरी स्मॉल. याद है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जब पेंडुलम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि पेंडुलम का एम्पलीट्यूड स्मॉल रखना है, और दूसरी तरफ आप ये कहते थे कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड. तो तदाद था ना, एक जगह आप ये कहते हैं कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता और दूसरी जगह आपने एक कंडीशन लगा दी कि एम्पलीट्यूड छोटा रखना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा तो आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे, आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी. तो मैं क्या कह सकता हूं, टू कीप द मोशन सिंपल हार्मोनिक this theta should be very small and to keep this theta very small amplitude should be very small. tabhi aap kehte the ki motion of simple pendulum is simple harmonic when amplitude is very small or when angle is very small, right? to hame jo hai wo ye baatein jo hai wo yaad honi chahiye. aur fir aapne time period of simple pendulum ka jo hai wo formula nikal liya tha. ठीक, और वो फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी. ठीक, ये एक क्विक रिव्यू है आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का. ये वो सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, आप जो है वो ये सारी बातें जो है वो देख लीजिए. अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है इस हवाले से तो आप जो है वो बिल्कुल सवाल कर सकते हैं. ठीक, अदरवाइज मैं जो हूँ वो फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में दिलचस्पी रखता हूँ. ओके, यू पीपल हैव 2 मिनट्स टू रिव्यू व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन यू मे आस्क देम.
ओके तो मेरा ये ख्याल है कि आपने जी किसी के भी जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। तो अब करने के लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो अच्छी एग्जांपल है आप सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 8 में आप चैप्टर के बिल्कुल एंड में आएंगे तो वहाँ पे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, अच्छी एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल जो है वो एग्जाम में आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं, ठीक। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा जो आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स मौजूद है, अगर आप अपने हैंड रेज करेंगे तो मैं आराम से फिगर आउट कर लूंगा। ओके तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब आपने करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको एक एमसीक्यू जो है वो इनफैक्ट एक न्यूमेरिकल जो है वो नजर आ रहा होगा। एक बात जिसकी वजाहत जो है वो मैंने शायद प्रीवियस क्लासेस में कर रखी है, क्योंकि आप ईकेड वाले हैं, ईकेड में पहली बात ये कि अगर आप एनईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो ऑब्वियसली कैलकुलेटर इज अलाउड, और जब कैलकुलेटर अलाउ होता है तो उसमें एक डिसएडवांटेज आपको ये हो सकता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है, आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल के लिए ये नहीं कह सकते सही तो बड़ा लेंथी न्यूमेरिकल और ये नहीं आ सकता, तो आपके सामने जो है वो एक क्वेश्चन मौजूद है। हम जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप जरा इस पे अटेम्प्ट कर लें और मुझे ये बता दें कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। अब्दुल रहमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, तो जिन बच्चों ने अपने हैंड रेज करके छोड़ दिए थे वो अपने हैंड जो है वो डाउन कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
हमें तो जैसे ही कोई बच्चा किसी रिजल्ट तक पहुंचे, जस्ट रेज योर हैंड। सॉन्ग सर जी अखलाक सर फोर्स आई कांस्टेंट आया है। पहला पहला पार्ट का आंसर के के इक्वल्स टू 2000 न्यूटन पर मीटर और टाइम पीरियड 0.28 सेकंड आया। 0.28 सेकंड आया, बिल्कुल सही। अच्छा अब सबसे पहले तो मुझे अगर आप लोग से अपने हैंड रेस करके ये बता दें कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाए। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करता हूँ। पहले वैसे सॉल्व कर लेते हैं जैसा आपको जो है वो आप फर्स्ट ईयर में जो है वो चार नंबर के लिए सॉल्व किया करते थे। देखिए पहली बात देखिए, सवाल में आपको गिवन क्या क्या है। सवाल में उन्होंने आपको दिया हुआ है द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टू द राइट बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन। सवाल में आपको एक फोर्स गिवन है विच इज 20 न्यूटन। आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मींस 0.01 मीटर बिकॉज वी ऑलवेज यूज SI यूनिट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट मींस स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको मास गिवन है कितना, 4 kg। डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो फोर्स कॉन्स्टेंट के लिए तो सिंपल है, एफ इक्वल के एक्स, k will be f over x, force is 20, x is 0.01। जब decimal से zero remove करेंगे numerator में दो zeros आप लगा देंगे तो आपके पास answer 2000 newton per meter आ जाएगा, ठीक। और जब आपको time period चाहिए तो आप क्या करेंगे, 2 pi under root m over k, values put करेंगे 3.14, mass is 4 and the value of k is 2000, राइट right? अच्छा अगले स्टेप में आप 2 into 3.14 6.28 बन जाना है, ये बन जाएगा 1 over 500, राइट right? क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, आप आसानी इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो 0.281 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अच्छा बात सिर्फ इतनी है कि ईकेट वाले बच्चों के लिए जो एनईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं आएगी कि न्यूमेरिकल जो है वो कैसे सॉल्व होगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जितना टाइम आपने इस वर्किंग को दिया शायद हम इतना टाइम इस वर्किंग को देना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब होना क्या चाहिए था, जब आप इस क्वेश्चन पर आए तो बजाय इसके कि आप डेटा ऐसे बनाते हैं, आपने देखा कि आपको सवाल में फोर्स गिवन है, आपको सवाल में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सवाल में आपको मास गिवन है। जब उन्होंने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें तो आपने डायरेक्टली कहा केस एफ ओवर एक्स, सो फोर्स इज 20, एक्स इज 0.01, मेरे पास डायरेक्टली के का आंसर आना चाहिए कितना, 2000। हमें ये वाली प्रैक्टिस करनी है, हमें हमें हर चीज नहीं लिखनी। हाँ लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आप की क्विक मैथ अच्छी नहीं है और आप इतना जल्दी में ये काम नहीं कर सकते तो फिर गलत करने से बेहतर है 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा ही दीजिए। लेकिन ये काम बड़ा आसान सा आप कर सकते थे। फिर जब आपको टाइम पीरियड निकालना था तो बजाय इसके कि मैं फॉर्मूला लिखूं और ये सारे काम करूं, मैं क्या कर सकता था, मुझे मालूम है टी हमेशा 2 पाई हुआ करता है तो 2 पाई विल ऑलवेज बी 6.28। मुझे मालूम है कि वो एम ओवर के है, एम इज 5, k इज 2000, मैं डायरेक्टली उसे 1 over 500 भी लिख सकता हूं। सिर्फ इसको सॉल्व करना और आपने इसका जो है वो आंसर निकाल देना है।
अच्छा अब फर्ज कर ले मैं जो हूँ सिर्फ एक अजम्पशन पे काम कर रहा हूँ, और मेरी जो है वो अजम्पशन ये है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर मेरी अजम्पशन ये है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप सब सॉल्व कर लेंगे, आप फंसेंगे कहाँ पे आके, 6.28 अंडर रूट 1/500। आप यहाँ के फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके लिए 1/500 निकालना और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना एक मुश्किल काम हो जाएगा। देखिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अच्छा आप में से किसी के घर में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि वो टीचर जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बैठा हुआ है, तो अगर ऐसा ख्याल आता है तो समझे ये जो है ना शैतान है, वसवसे डाल रहा है आप पर लाहौल पर। ये कॉमन सेंस है, ये क्विक मैथ है जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी, माइंडसेट टू माइंडसेट वेरी करेगी। देखिए जब मुझे ये 500 नजर आता है ना तो मुझे ये 500 नजर नहीं आता, मुझे ये लगता है कि ये लिखा हुआ है क्या 1/5×100। और फिर मुझे क्या याद आता है, मुझे ये याद आता है कि सर 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है, जब हम 5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 2.2 आता है, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 का तो आपके पास जो आंसर है वो 2.4 आ जाएगा, जब आप 7 का निकालेंगे तो वो 2.6 आ जाएगा, ये 0.2 के डिफरेंस से चल रहा होता है। तो इसका मतलब जब मैं 5 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो क्या बनेगा 2.2, और 10 का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो क्या बनेगा 10। आसान अल्फाजों में ये बन जाएगा 6.28/, या तो आप इसे 22 लिख दीजिए या 2.2 और 10 लिखकर रहने दीजिए। ठीक, अब ये लिखा हुआ है 6.2, ये लिखा हुआ है 2.2, इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी आंसर आने वाला है वो 3 से कम आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 3 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 2.2 को अगर डबल करूंगा तो 4.4 बनता है, 2.2 को अगर थ्राइस करूंगा 6.6 बनता है, और मेरे पास ये 6.28 है, यानी मेरा आंसर 2 और 3 के दरमियान आएगा। ठीक, और मैं अज्यूम करता हूं वो 3 के जो है वो ज्यादा करीब आना चाहिए क्योंकि वो 6.28 है, राइट? और जब आप उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो अब यहां पर जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना वो आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं। फर्ज करें मुझे ऑप्शंस में टाइम पीरियड नजर आ रहा होता 0.21, 0.28, ऑप्शन सी 0.32 एंड ऑप्शन डी लेट्स से 0.19। अब देखें मैं इस रेशो को देख के इस बात का तयन करने में कामयाब हुआ हूं कि मेरा आंसर 2 और 3 के दरमियान हो, फिर वो 10 से डिवाइड होगा तो मेरा आंसर 0.2 और 0.3 के दरमियान होगा, और वो 0.3 के ज्यादा करीब होना चाहिए क्योंकि 6.2 और ये 6.6 है, तो मैं ऑप्शन बी को ही क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा, मैं जो वो ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, शायद एनईडी वाले बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि उनका जो है वो टाइम जाया हो गया, लेकिन ये चीज आनी चाहिए। अच्छा मैं आपको और मजे की बात बताऊं, अगर मैं कभी लेट से मैं कहीं पे एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर जो है वो सेट कर रहा हूँ और मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पेपर में दू, तो पता है क्योंकि आपने टाइम पीरियड भी निकाला है, आपने स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी निकाला है, तो मैं ऑप्शन ऐसे दूंगा 2000 न्यूटन पर मीटर, 0.28 सेकेंड, 3000 न्यूटन पर मीटर, 0.56 सेकेंड्स, लेट्स से 200 न्यूटन पर मीटर, 0.31 सेकेंड्स, एंड ऑप्शन डी 250 न्यूटन पर मीटर, 0.28 सेकेंड्स। अब देखो वो तमाम न्यूमेरिकल जिनमें आपको दो चीजें निकालनी होती हैं, हमारे ऑप्शंस हमारे लिए बहुत बड़ी हिंट है। अगर ऑप्शन में पहली वैल्यू तमाम क्वेश्चन में डिफरेंट है ना तो इसका मतलब है मुझे सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। क्यों? देखें जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप तो के की वैल्यू बगैर किसी मेहनत के 10 सेकंड में निकाल चुके थे कि के इज 2000। मैंने अपने ऑप्शन देखे, सिर्फ ऑप्शन ए वाइज ऑप्शन है जिसमें ए जो है वो 2000 है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली ए को सेलेक्ट कर लूंगा। हाँ, प्रॉब्लम कहां पर आ जाएगी? प्रॉब्लम वहां पर आ जाती जब आपके पास दो जगह पर 2000 वैल्यू होती,
अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करूं। आई होप आप वो पॉइंट समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर कैलकुलेटर अलाउड है, नथिंग लाइक इट, आप तो कैलकुलेटर से आंसर दोनों निकाल लेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ है तब भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के। तो जब कभी भी आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, अगर दो अननोन थे और ऑप्शन में पहला अननोन सब में डिफरेंट है तो उसे पहला निकाल दीजिए। अगर ऑप्शन में दूसरा अननोन सब में डिफरेंट है तो पहले आप दूसरा निकाल लीजिए अगर वो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी जो है ना वो इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब देखें अगली चीज। एग्जाम में एमसीक्यूज जो है वो किसी भी क्वेश्चन से आ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक मौजूद है तो अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता तो बुक में गालिबन एग्जाम्पल 4 होनी चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चा कर्टिसी में एक काम करते हैं वो एग्जाम्पल 4 को देखे, मुझे ऐसा पड़ता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सवाल होगा। अगर कोई बच्चा उस क्वेश्चन की सिर्फ एक पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर ले मुझसे तो, क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बुक मौजूद नहीं है और क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता हूँ लेकिन मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। तो एनी वन ऑफ यू, इतना मुझे याद है कि जिस पेज पे एग्जाम्पल्स स्टार्ट हुई हैं आप उस पेज की बैक साइड पे देखेंगे तो बॉटम पे आपको वो एग्जाम्पल नजर आएगी। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई बच्चा उस क्वेश्चन को मुझसे शेयर कर ले वो स्क्रीन पे ही आपको दिखा दूं ताकि आप में से सारे बच्चे जिनके पास बुक मौजूद नहीं है। बल्कि वैसे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आया है तो मेरा ख्याल है कि आप में से मेजॉरिटी ने जो है वो क्वेश्चन रिसीव कर लिया होगा। ओके, मेरा ये ख्याल है कि अब आप में से हर बच्चा जो है ना वो इस क्वेश्चन को देख पा रहा है। तो आपने करना ही है कि आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने की जो है वो एक अटेम्प्ट करनी है। अगर आपने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन जो है वो फिर सॉल्व कर दूंगा। और आप में से वो बच्चा जो कोई भी बच्चा जो इसे सॉल्व कर ले, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। वैसे इस न्यूमेरिकल के बारे में बताऊं, ये एनटीएस के एग्जाम में भी जो है वो मेरा ख्याल है कि न्यूमेरिकल एज इट इज पूछा जा चुका। Why were they doing this to my Nintendo? Baba, see, why did I was removing the tokens in the cup?
No, they were moving the Joy-Con and cover, make it more small. Okay. Move all the parts of my Nintendo. I think it's in the window. जी अखलाक सर टोटल एनर्जी आएगी 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 जूल्स और एम्पलीट्यूड आया 0.141 एम्पलीट्यूड आया 0.141 ओके बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे होंगे। सिर्फ यहाँ पर वैसे मैं हिंट दे दूं कि सवाल में करना क्या था। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 0.025 kg, तो मुझे जो है वो यहाँ पर मास गिवन है, वो मास एम हो गया, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.1 meter। अच्छा आप देखें जो 0.1 है ना, ये कभी कभार डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी एम्पलीट्यूड होता है। अगर सवाल की लैंग्वेज ऐसी हो, इट डिस्प्लेस थ्रू 0.1 meter एंड देन रिलीज्ड, इट मींस दैट दिस 0.1 इज एम्पलीट्यूड। राइट नाउ सेकंड थिंग, इफ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 0.4, दिस इज के, velocity at the end of this displacement is 0.4. See, this is the hint. अगर मुझे velocity given है तो फिर amplitude नहीं है, ये displacement given है। मुझे total energy चाहिए। अब total energy कैसे निकालते थे? आप कहेंगे कि सर simple harmonic में total energy half के x naught square है, लेकिन problem ये है कि यहाँ पे x naught भी हमें मालूम करना है, क्योंकि हमें जो है वो amplitude भी चाहिए, हमें जो है वो velocity भी चाहिए, in fact total energy भी चाहिए। तो आप टोटल एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? अच्छा अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्मूले से निकाल सकते थे? अगर आपको जो है वो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हमें फॉर्मूला पोटेंशियल का याद है, और वो क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा काइनेटिक में मैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, वंस अगेन एक्स नॉट इज अननोन, तो मैं काइनेटिक का बेसिक फॉर्मूला लगा देता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मुझे वेलोसिटी गिवन है।
सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है, मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनटीएस में भी आ चुका है, और क्योंकि एनटीएस में एमकेट में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसके अंदर भी वैल्यूज ऐसी हैं जो बगैर कैलकुलेटर के भी बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाती होंगी। अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, अगर आप में से कोई बच्चा इसे कैलकुलेटर के बगैर अटेम्प्ट करना चाहे और फिर भी आपको लगे ये नहीं होता तो मुझे अगली क्लास में बताइएगा, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जब आपको टोटल एनर्जी मिल गई तो अब आपको एम्पलीट्यूड के लिए आप ये फॉर्मूला आसानी लगा सकते हैं, एनर्जी इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मुझे टोटल एनर्जी मालूम है, मुझे के मालूम है, मैं एक्स नॉट की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकाल लेना। ठीक, तो एग्जाम में आपके पास इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल बिल्कुल आ सकते हैं। अब थोड़ा सा जरा जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम में कभी कभी एक सवाल आता है कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज एल एंड इट्स टाइम पीरियड इज टी, फिर वो क्या कहेंगे, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 4L व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। तो आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन एल, और हमें याद है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल हुआ करता है। तो अगर आपने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड आएगा। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें वैल्यूज इन रिलेशन दी जाती है, उन्हें सॉल्व करने की एक ही मेथडोलॉजी, वो है मेथड क्या है, टी डैश इज 2 पाई अंडर रूट एल डैश ओवर जी। 2 पाई सेम है, एल डैश की जगह क्या आएगा 4L ओवर जी। क्या करें, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी अलग कर लें, और अंडर रूट 4 का मतलब क्या है 2। अब ये सब कुछ ओरिजिनल टाइम पीरियड है ये लिखा हुआ, तो मैं क्या कहूंगा टी डैश इज बेसिकली टी इंटू 2 या टी डैश इज टॉइस ऑफ टी। जो हमारे पास टी डैश है वो टी डैश जो है वो टॉइस ऑफ टी के बराबर हो जाएगी। ऐसे तमाम न्यूमेरिकल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, अब वो सवाल को थोड़ा सा जो है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड बना दे, वो कॉम्प्लिकेटेड क्या बना दे, वो ये बोले कि एक पेंडुलम की लेंथ एल है और उसका टाइम पीरियड टी है, राइट right? फिर वो बोलेंगे एट व्हाट एल टी बिकम्स टॉइस। तो अब आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, फिर आप कहेंगे सर मुझे टाइम पीरियड डबल करना है तो 2 पाई अंडर रूट यहाँ पे एल डैश ओवर जी, और फिर आप यहाँ पर टी को रिप्लेस करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे और आप जो है वो वैल्यू निकालेंगे एल की। मैं कहता हूं ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में टाइम जाया ना करें। अब आप देखिए मेथड क्या है, मुझे मालूम है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। अगर मुझे टाइम पीरियड को डबल करना है, अगर मुझे यहां पे 2 चाहिए और मुझे लेंथ चेंज करनी है तो लेंथ स्क्वायर रूट के अंदर है तो मुझे लेंथ के साथ 4 लगाना पड़ेगा ताकि जब मैं स्क्वायर रूट लाऊं तो 2 का फैक्टर आ जाए। जब हम स्पीड ऑफ ट्रांसफर स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं। जब आपसे कहते हैं ना कि लेंथ को कितना बना देंगे टेंशन डबल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, मैं चाहता हूं कि टाइम पीरियड जो है वो थ्राइस हो जाए। अगर मुझे टाइम पीरियड को थ्राइस करना है तो मुझे लेंथ को कितना करना पड़ेगा, मुझे लेंथ को 9 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है। देखिए इस मेथड को समझिए, मैं कोई और फॉर्मूला लेता हूं शायद मेरी बात और थोड़ी वाजे हो जाए। याद है सेंटीपीटल फोर्स कैसे निकालते थे, एमवी स्क्वायर ओवर आर। अगर कोई बोले कि मैं चाहता हूं कि फोर्स डबल हो जाए, मुझे फोर्स को डबल करना है, तो बता सकते हैं मुझे वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा, अंडर रूट 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो फिर मुझे 2 का फैक्टर मिलेगा। हमें जो है इस तरह की चीजों की जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये तो वो चीजें जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि रिलेशनशिप जो है वो बनते किस तरह है। ठीक,
आप जो कुछ मैंने पढ़ाया मैं अभी ये व्हाट्सएप पे आपसे शेयर भी करने वाला हूँ, आप में से वो तमाम बच्चे जिनके जहन में किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो बिल्कुल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जी यू पीपल हैव 1 मिनट, अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल है इस हवाले से तो फील फ्री टू आस्क। सर पेपर कोई कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक क्वेरी है कि सर पेपर के अंदर टाइम कितना दिया जाता है? पेपर के अंदर हमें टाइम कितना दिया जाता है? टाइम कितना दिया जाता है? टाइम टाइम ये अब टाइम लिमिट जो है वो मैं पेपर देख के आपको जो है वो बिल्कुल श्योरली जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लूंगा कि एनईडी में पेपर का ड्यूरेशन जो है वो अब कितना होता है। ठीक है okay, so now we will resume in next class.